हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम आनंद कुमार है और सेमेस्टर वन में प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में आपको टीच करूंगा। डियर स्टूडेंट, इन आपके सिलेबस को डिस्कस करने से पहले आपको ये मैं अवेयर करना चाहूंगा कि आपका एग्जाम ठीक आज से 2 महीने बाद है और इसमें सबसे पहले मैं क्वेश्चन लेता हूं आपका, जो कि आप लगातार आप जो है टेलीग्राम पर, आप जो है वेबसाइट पर और एप्लीकेशन पे लगातार एक सवाल मेरे सामने स्टूडेंट लेकर के आ रहे हैं, सर ये प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स का ये वही है जो कि हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स 11th क्लास में पढ़ी है। डियर स्टूडेंट, बिल्कुल नहीं। हाँ, आपको सब्जेक्ट में आपको चैप्टर के नाम आपको वो जरूर मिल जाएंगे जो कि आपने 11th क्लास में पढ़ा है, लेकिन अंदर जो कंटेंट है वो 11th क्लास में आपका नहीं था और वही आपके पेपर में आएंगे। क्लियर है? तो यहां पर शटडाउन पॉइंट है आपके सिलेबस में, आपके पेपर में आपके शटडाउन पॉइंट से सवाल बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। शटडाउन पॉइंट आपने नहीं पढ़ा है, आपने टैक्स पॉलिसी है, यहां पर टैक्स पॉलिसी आपने 11th क्लासेस में आपने पीछे माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपने नहीं पढ़ा हुआ है। यहां पर प्राइस इफेक्ट, इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है जो कि एक इंडिफरेंस कर्व के अंदर ही है। आपने इंडिफरेंस कर्व तो पढ़ा लेकिन आपने ये टॉपिक नहीं पढ़ा, पेपर में इसमें से आता है आपका। डेरिवेशन ऑफ डिमांड कर्व विद द हेल्प ऑफ प्राइस कंजम्पशन कर्व, ये आपने नहीं पढ़ा। रिटर्न्स टू अ फैक्टर आपने पढ़ा था, बट यहां पर रिटर्न्स टू अ स्केल है, एक्सपेंशन पाथ है। ये इस तरीके के टॉपिक जो मेरे आप सुन रहे हो आप मुझसे, ये सारे टॉपिक जो आपके एग्जाम के प्रस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है और ऐसा कुछ भी दूर दूर तक आपके 11th क्लासेस में नहीं था। ऐसे बहुत टॉपिक्स हैं, नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, लॉन्ग रन, एवरेज कॉस्ट, शॉर्ट रन, सप्लाई कर्व, ऐसे बहुत टॉपिक्स आपको मिलेंगे। लॉन्ग रन, फॉर्म इक्विलिब्रियम, बहुत टॉपिक्स है इसके अंदर। वाटर डायमंड पैराडॉक्स, ये सारे टॉपिक आपके क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम के प्रस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और इसमें से एक क्वेश्चन भी आपका जो है 11th क्लास के माइक्रो में टच नहीं हुआ था। तो मैं ये नहीं कह रहा कि ये माइक्रो इकोनॉमिक्स नहीं है या वो माइक्रो इकोनॉमिक्स नहीं है, दोनों ही माइक्रो इकोनॉमिक्स है, लेकिन प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एडवांस है, अलग क्वेश्चंस है, अलग पैटर्न है, सब कुछ डिफरेंट है। तो इस बार आपको इस चीज के लिए तैयार रहना है। सबसे ज्यादा बैक बच्चों के माइक्रो इकोनॉमिक्स में इसी गलत फहमी की वजह से आती है कि स्टूडेंट सोचता है कि ये तो वही है जो हमने पढ़ा है तो लास्ट के 10 दिन में भी हम संभाल लेंगे, लेकिन जब उठाते हैं वो प्राइस कंजम्पशन कर्व, जब वो उठाते हैं एक्सपेंशन पाथ, जब वो उठाते हैं रिटर्न्स टू अ स्केल, जब वो उठाते हैं प्राइस इफेक्ट, इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, कुछ भी एक लाइन भी समझ में नहीं आता है बच्चों को उसमें क्या लिखा हुआ है। बच्चे इतना पैनिक हो जाता है कि बच्चे उस पेपर को छोड़ देता है, इसलिए सबसे ज्यादा बैक आता है इसके अंदर। इसलिए स्टार्टिंग में ही आप लोग अवेयर हो जाएं, स्टार्टिंग से ही मैं आप लोगों को यहां पर टीच करूंगा। आपका सिलेबस जैसा है कि 4 यूनिट में आपके सिलेबस को यहां पर बांटा गया है, कुल मिलाकर के कितने यूनिट, 4 यूनिट। आपके पास में 75 मार्क्स का आपका पेपर होगा। ये पेपर आपका कितने मार्क्स का होगा टोटल, आपका पेपर ये 75 मार्क्स का होने वाला है, 75 मार्क्स का आपका पेपर जाने वाला है। तो आपका 75% में, 75 मार्क्स में से 20% आप ये मान लीजिए कि आपके पास में जो है 15 नंबर, 15 मार्क्स आपका जो है कहां से आने वाला है, ये 15 मार्क्स आपके पास में जो है वो आपका यूनिट वन में से आने वाला है, जिसमें कि डिमांड, सप्लाई, प्राइस एंड रिसोर्स एंड इलास्टिसिटी, मार्केट इक्विलिब्रियम, ये सब कुछ आपको बिल्कुल नया पढ़ने को मिलेगा यहां पर, बिल्कुल एक नए कॉन्सेप्ट देखने को मिलेंगे। अभी मैं इसके अंदर क्या है वो मैं बात अभी करूंगा। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर बिहेवियर पहले पढ़ा था आपने, लेकिन इस बार जो कंज्यूमर बिहेवियर है इसमें प्राइस इफेक्ट, इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है, तो वो एक बिल्कुल अलग कंसेप्ट हो जाता है। डेरिवेशन ऑफ डिमांड कर्व विद द हेल्प ऑफ आपका इंडिफरेंस कर्व आपका हो गया। इस तरीके की बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपको यहां पर पढ़ने को मिलेंगे। ये आपका 25% है, तो यहां पर आपका हो जाता है ये आपका 1/4 आपका, ये यहां पर आपको देखने को मिल जाता है। क्लियर है जी, समझे? तो आपका 25% आपका इसमें से आ जाता है। इसी तरीके से 20% आपका जो है अंडरस्टैंडिंग प्रोडक्शन कॉस्ट एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन बाय फर्म, ये 20% का सिलेबस कवर करता है। और अंडरस्टैंडिंग मार्केट स्ट्रक्चर, मार्केट स्ट्रक्चर आपका बिल्कुल डिफरेंट है और ये बच्चे 35% आपका कवर करेगा। तो ये आपका वेटेज है। अब बात करते हैं आपके अंदर, इसके अंदर बहुत कुछ आप जो है आपको नया देखने को आपको मिलेगा, जैसा कि आपके सामने आपके स्क्रीन पर है। क्लियर है? डिस इकोनॉमिक्स स्केल आपने नहीं पढ़ा, इकोनॉमिक्स स्केल आपने नहीं पढ़ा, लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व के बारे में आप नहीं जानते हैं, जो आपने पहले पढ़ा था सब कुछ शॉर्ट रन पढ़ा था आपने, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ आइसो क्वांट,
आइसोक्वांट एंड आइसो कोस्ट लाइन, ये आपने पहले नहीं पढ़ा था। इसलिए आप देखिएगा, अगर आपके सिलेबस में प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स है तो वो बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे यूनिवर्सिटी वाले। आप खुद सोचिए इस चीज को, जो पहले पढ़ा वही दोबारा आपको पढ़वाएंगे। क्यों पढ़वाएंगे आपको दोबारा वो जो आप पहले पढ़ चुके हो, जिसको आप पहले पास हो चुके हो, और दोबारा क्यों करोगे? अब उसमें जो रह गया था उसके लिए सब्जेक्ट आपको फिर वापस कंटिन्यू पढ़ना पड़ रहा है, जो रह गया था। आइसो क्वांट आपका रह गया था, आइसो कोस्ट लाइन आपके लिए रह गया था, ये सारी चीजें नई चीजें आपके लिए डाल रहे हैं। एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल आपके पास में है। इसी तरीके से अगर आप मार्केट की बात करें तो मार्केट में आप जो है डिफरेंशिएट बिटवीन द मोनोपोली एंड डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द इनपरफेक्ट कंपटीशन, आपके पास में मार्केट में शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन आपके बारे में पढ़ने को मिलेगा। और इसमें जो है आपका शटडाउन पॉइंट आपका बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन है। तो ये आपके पास में सिलेबस है, मैं आपको फिर अवेयर कर रहा हूं, स्टार्टिंग से आप अवेयर हो जाइएगा। हमारा जो भी कोर्स आपके पास में रहेगा, मैं आपको बता देता हूं, आज लेंगे सेम प्राइस, एग्जाम से दो दिन पहले लेंगे सेम प्राइस। जब उतना पे ही करना है आपको तो आप जो है एक नॉमिनल प्राइस लेंगे हम, एक ऐसा प्राइस के स्टूडेंट को अपने घर से पैसा मांगना नहीं पड़े पेरेंट्स से, उसके पॉकेट में जितना जो थोड़ा बहुत जो उसके पास में रहता है अपने उसी से ही वो कोर्स लेकर के पढ़ाई कर ले, इतना नॉमिनल फीस हम आपके लिए रखेंगे यहां पर। लेकिन ये आप एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि पेपर से चार पांच दिन पहले इसको जो है और भी कम किया जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा, कॉन्सेंट्रेट आपका ये जो है चलेगा। तो इस तरीके से अभी आप अगर आप पढ़ते हैं तो आपको अल्टरनेट डेज बेसिस पे, क्योंकि भैया सिर्फ और सिर्फ 60 दिन रह गए हैं, और अल्टरनेट डेज बेसिस पे क्लास भी अगर मैं लेता हूं तो 30 क्लासेस में मैं किस तरीके से, आप बताइए जरा मुझे कि 30 क्लासेस में कैसे मैं सिलेबस को कवर करूंगा? तो यहां पर तो मेरा अल्टरनेट डेज बेसिस पे भी क्लास लेने पर सिलेबस कवर नहीं होगा, इसलिए मैं आपको अभी अल्टरनेट डेज दूंगा, पर बीच में जैसे कुछ 10-15 दिन हो जाए देन मैं आपको रेगुलर फॉर्मेट पे आपको मैं ले आऊंगा। सिलेबस कवर करना है ये मेरे लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है और आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, समय बहुत पास आ चुका है। तो प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स सेमेस्टर 1 मैं आपके लिए कोर्स मैंने लॉन्च कर दिया है, यूट्यूब पर मैं आपको यहां पर अवेयर कर रहा हूं। आप डिस्क्रिप्शन पे जाइए, आपको वहां पर आपका हमारा एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, लिंक को आप इंस्टॉल कर लीजिएगा, या फिर आपको वहां पर डिस्क्रिप्शन में आपको कमेंट सेशन में हम अपना कॉन्टेक्ट नंबर भी दे देंगे। थैंक यू सो मच। और मार्केट में जो बुक्स आएंगी वो मेरे ही लिखी हुई बुक्स होंगी। आप कहीं रहते हैं, बिहार रहते हैं, उत्तर प्रदेश रहते हैं, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जहां भी रहते हैं, जो मेरी लिखी हुई बुक होंगी आपके घर के पास में, सारी किताबें प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स की मेरी लिखी हुई बुक ही रहेंगी, उसमें मेरी फोटो भी रहेगी, तो जिससे कि आप आइडेंटिफाई इजिली कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।